कसरावत नगर की दो प्रतिभावान छात्राओं को आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर कसरावत न्यायालय परिसर में आयोजित ध्वजारोहण कार्यक्रम में न्यायाधीश महोदय के साथ शिरकत करने का अवसर प्राप्त हुआ। विधिक सेवा समिति अध्यक्ष विवेक जैन के मार्गदर्शन में कसरावत नगर के सभी निजी और सरकारी विद्यालयों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें लगभग 350 बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें से 6 प्रतिभावान छात्रों को न्यायालय परिसर में क्विज कॉन्टेस्ट करवाया गया, जिसमें प्रथम रही महर्षि वेद व्यास की छात्रा अमूल्य व्यास एवं दूसरे स्थान पर पैरामाउंट स्कूल से अर्चना परिदा, इन दोनों छात्राओं को न्यायाधीश विवेक जैन के साथ ध्वजारोहण में भाग लेने का मौका मिला। दोनों छात्राओं को प्रशस्ति पत्र एवं भारतीय तिरंगा झंडा देकर सम्मानित भी किया गया। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। नहीं होता वो वैसे भाषण की पड़ी, तो अगर हम अपनी आजादी को मूल्यवान समझेंगे, इसे बहुत कीमती समझेंगे, तभी इसको अक्षुण बनाए रखेंगे, तभी इसको अमृतत्व प्रदान करेंगे। तो इसका मूल्य समझाने का एक प्रयास तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से किया गया कि बच्चों को बताया जाए कि किस प्रकार से हमने आज़ादी प्राप्त की थी, किन किन लोगों ने बलिदान दिया था, कितने प्रयास हुए थे, कितनी मुश्किल से ये हमने आज़ादी पाई थी। वो सब बच्चों को पता होगा तब वो उसका मूल्य समझेंगे, तब वो इसकी कीमत समझेंगे और तब उन्हें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।